हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्टर और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने फर्स्ट 3 वीडियोस डाल चुके हैं इस वीडियो पर और ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस के ऊपर लेक्चर नंबर 2 डाला था, तो इसके अंदर हम दो टाइप्स के रेजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं, वो है सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सीरीज रेजिस्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है फर्स्ट टॉपिक, रेजिस्टर इन सीरीज। अभी रेजिस्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट हमारे सर्किट के अंदर जो कि करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। रेजिस्टर का काम ही होता है करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करे, सिर्फ रोकता नहीं है रेजिस्टर, सिर्फ कोशिश करता है, और करंट कम भी हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो रेजिस्टर हम इसलिए बैठाते हैं कि करंट की इंटेंसिटी को कम कर सके। जैसे कि हमारा जो फैन चलता है, तो हमारे पास रेगुलेटर होता है हमारे स्विच बोर्ड में, तो उससे हम उस फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हमारी मर्जी के हिसाब से। तो वो क्या है, रेजिस्टेंस देता है करंट को, हमने 5 नंबर की स्पीड की, तो क्या फैन के ऊपर पूरी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बट हम एक या दो पे लाएंगे जब वो नंबर, तब क्या रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और करंट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसी वजह से फैन स्लो चलता है। तो वैसा ही है रेजिस्टेंस सीरीज। तो रेजिस्टेंस सीरीज का मतलब है, सपोज हमारे पास ये सर्किट है, ये एक सर्किट है हमारा, इसमें बल्ब नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक लाइन में 3 रेजिस्टर लगाए हैं, एक ही लाइन में 3 रेजिस्टर है, तो इसे हम बोलेंगे रेजिस्टर इन सीरीज। समझ गए? सुनो, देखो हमारा जो क्या है, ये जो रेजिस्टर इन सीरीज है, ये क्यों है? देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, 3 हो 4 हो 5 हो 2 हो, तो ये सब एक ही लाइन में है। किसमें है? एक ही लाइन में। या वैसे ही बोल सकते हो एक रेजिस्टर यहां पर है या यहां पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक लाइन में होनी चाहिए, या बस एक ही वायर से, जिस वायर से हमारा करंट पास हो रहा है उस वायर पे ही होनी चाहिए बाकी के सब रेजिस्टेंस। अगर एक यहां पर है तो भी इक्वल है, क्योंकि एक ही वायर से जा रहा है करंट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हमारा रेजिस्टेंस सीरीज। अभी इसमें क्या होता है कि हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। भाई बताओ, अगर आपको कुछ नया एग्जाम है, बताओ यहां पर रजिस्टर है तो यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, इसीलिए रजिस्टर इन सीरीज का टॉपिक है। तो सुनो, व्हाट इज मीन बाय रजिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं व्हाट इज मीन बाय वोल्ट। वोल्ट एक यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट क्या है? एक यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मैंने बोला कि देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां पर और यहां पर अलग होता है। जैसे कि यहां पर पहले करंट की इंटेंसिटी ज्यादा थी, फिर रेजिस्टर ने यहां पर कम कर दी, तो यहां पर उसकी करंट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। मतलब हर एक पॉइंट पर जहां से रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है वहां की इंटेंसिटी करंट की, और यहां पर वो रेजिस्टेंस खत्म होता है तो वहां की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट होगी। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो अगर मैंने माना कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 पर, तो वो है V1, और R2 पर हमारा V2 पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, R3 पर हमारा V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। मानते हो ना, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहां पर अलग है और यहां पर अलग है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे पता लगाना है कि यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे भाई, मुझे अगर टोटल फाइंड करना है यहां पर पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां पर और प्लस यहां पर का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा। समझते हो ना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रही है तो प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। और सुनो, अभी सुनो, हमने एक फॉर्मूला देखा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, वो क्या था V इज इक्वल टू IR। और अभी मुझे बताओ ये कौन सा रेजिस्टर है। मैंने बोला कि ये रेजिस्टर इन सीरीज है, तो मैंने लिख दिया V इज इक्वल टू IRS। यहां पर अगर S लिख रहा हूं इसका मतलब है रेजिस्टर इन सीरीज, और यहां पर अगर मैंने P लिखा तो उसका मतलब है रेजिस्टर इन पैरेलल।
पैरल को थोड़ा पार करेंगे, ठीक है। रजिस्टर इन सीरीज, तो भी रजिस्टर इन सीरीज, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हर एक जगह पर, यहाँ पर वी वन की जगह पर वी वन प्लस वी टू, ठीक है। तो ये हो गया IRS, क्या है IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इतना समझिए। IRS मतलब रेजिस्टर इन सीरीज, ये टोटल रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हो टोटल वोल्ट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम S को बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अभी यहां पर I प्लस I प्लस I और यहां पर भी I है, तो हम क्या करेंगे इस सबको कैंसिल कर देंगे, इधर का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। और सुनो यहां पर हमारे रेजिस्टेंस कितने हैं, एक दो तीन, अगर चार हुए तो एक दो तीन चार, मतलब आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, जितने रेजिस्टेंस हुए उतने, तो अगर जितने रेजिस्टेंस हो गए कोई इधर लगा देना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो यही है हमारा फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन सीरीज का। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई होप सो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया, फिर से एक बार चेक कर लो, हमने क्या लिख लिया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का अलग अलग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सब में आई आर पुट कर दिया, क्योंकि ये V था, तो आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री, जैसे वी वन वी टू और वी थ्री था वैसे, और यहाँ पर ये आई आई को कैंसिल करके ये हमारा फॉर्मूला बना है। और ये जो आर एस है उसका मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट निकालो और बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमारा वो एग्जांपल है रेजिस्टर्स इन सीरीज के ऊपर, हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। तो सुनो फर्स्ट एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन क्या है, देयर आर थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम 3 ओहम 4 ओहम, ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, 15 ओहम 3 ओहम 4 ओहम कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। व्हाट इज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड करो। अभी सुनो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो वो फाइंड करना है। तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम बोलेंगे कि आरएस है, मतलब टोटल आरएस है, तो यहां पर वो फॉर्मूला पुट अप करो, पर गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन गिवन क्या है आर वन इज इक्वल टू 15 ओहम, ठीक है। उसके बाद आर टू इज इक्वल 30 ओहम, आर थ्री कितना है, R3 हमारा है 4 ओम, ठीक है। अभी ऐड कर दो, ये यहां पर फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पुट अप कर दो, RS इज इक्वल कितना है, RS की R1 कितना है 15 ओम, 15 प्लस 3 प्लस 4, सो RS इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22 22 तो ये होगा हमारा 22, बट 22 क्या, इट इज ओहम। सो मैं बोलूंगा कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 22 ओहम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो, बहुत इजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलेटेड टू रेजिस्टेंस एंड सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओहम एंड 14 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंस है एक सीरीज में, क्या है 16 ओहम का एक रेजिस्टेंस और एक 14 ओहम का, पोटेंशियल डिफरेंस इज 18 वोल्ट, पूरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं पूरा सीरीज का, तो वह है 18 वोल्ट। देन फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट बताओ उस पूरे सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, मतलब
एक रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, मतलब इधर से पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो रेजिस्टर से जाने के बाद कितना है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा सुनो, हमारे पास एक फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू आई आर। क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो गिवन लिख देंगे, गिवन दैट इज आर वन, रजिस्टर वन जो है वो है 16 ओहम, फिर उसके बाद आर टू जो है वो है 14 ओहम, उसके बाद क्या है, हाँ फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी इज इक्वल टू 18 वोल्ट। ठीक है, वी इज इक्वल टू 18 वोल्ट। अभी हमें फाइंड करना है आई, तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये पता है, यही है ना फॉर्मूला, हाँ यही है। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या फाइंड करने के लिए, वोल्ट। अभी वोल्ट हमारे पास है, हमें फाइंड करना है आई, करंट फाइंड करना है, तो आर को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू आर अपॉन, सॉरी वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो यहां पर बताओ मुझे आर कितना है, सॉरी ठीक है आई कितना है, दिमाग ठीक है, वी कितना है, वी वोल्ट 18 है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है भाई। अभी रेजिस्टेंस कौन सा ले, बताओ बताओ कौन सा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा यहाँ पर, हमें रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा ये दोनों, ये दोनों लेने पड़ेंगे 14 और 16, तो ये हो जाएंगे हमारे 30। सो 30 अपॉन 18, तो डिवाइड करो, तो ये हमारा कितना होगा, शायद बुक में ही है, देयरफोर I इज इक्वल टू 0.6 है ना, कहां पर गया अभी तू, हाँ 0.6 ओहम, 0.6 ओहम हमें पता चल गया कि करंट है ना वो 0.6 है। इसके बाद क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, एक रजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे R1 का, ठीक है, तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है तो हमारे पास वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी V1 होना पड़ेगा, V1 होगा वो, तो मैंने बोल दिया जो ये अलग है और ये अलग है यहाँ पर। सो V1 इज इक्वल टू V1, V इज इक्वल टू IR, सो IR1, ठीक है IR1 रेजिस्टेंस 1, तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू I कितना है हमारा, I वो है 0.6, R1 कितना है, R1 वो है 16 ओम इनटू 16 कर दो, सो V1 इज इक्वल टू फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू 0.6 इनटू 16, वो होगा 16 इनटू 6, 6 इज 36, 3 6 होना 6 7 8 9 9.6, तो वो होगा 9.6 ओम। ठीक है, तो ये हमें फाइंड हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस। और सेकंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सेकंड कौन सा रेजिस्टेंस है, R2, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V2 इज इक्वल टू, V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टू, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR2। ठीक है, यहां पर V2 इज इक्वल I कितना है, करंट कितना है 0.6 इनटू रेजिस्टेंस कौन सा कितना है 14 है, तो यहां पर 14 लिख दो, सो V2 इज इक्वल टू 14 इनटू 0.6, 6 इज 36, 8.4 ओहम। हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए, और एक पॉइंट रह गया वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया था वो है रेजिस्टर इन सीरीज, तो ये सेकंड टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, तो सुनो बेसिक नॉलेज देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है ना, वहां पर रेजिस्टेंस एक लाइन में होते हैं, मतलब एक ही वायर पे जहां से करंट जा रहा है, बट यहां पर क्या होता है कि अलग अलग वायर्स है जो डिफरेंट वे में जा रहे हैं और जाकर एक ही वायर बन जाएगी बाद में, डिफरेंट वे है पर उनका जो लास्ट पोजीशन होगा तो वो सेम होगा।
तो सुनो, जो हमारा रेजिस्टेंस ये सीरीज था, तो वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा, क्योंकि देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक, यहां पर है, यहां पर कुछ ओहम रेजिस्टेंस है। सपोज यहां से कोई करंट आ रहा है, तो ये उसको रेजिस्टेंस होके कम कर देगा, फिर ये कम हुआ जो है वो करंट आगे जाएगा, फिर ये और रेजिस्टेंस उसको भी कम कर देगा, मतलब ये कम होते होते जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि इसमें ये करंट जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, मतलब अलग अलग वायर्स, अगर हमने ये वायर मानी तीन, तो ये इस ऊपर के वायर में, नीचे के वायर में, इस वायर में, मतलब ये उतना कम नहीं कर पाता, ये इतना रेजिस्टेंस उसको दे नहीं पाता। इसके लिए रेजिस्टेंस इन पैरल में करंट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, सो ये जो है ना बेसिकली इस पे अलग अलग रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बट अलग वे में। जैसे कि यहां से जो वायर है, ये अगर वायर है तो यहां से करंट जा रहा होगा, बट थ्री डिफरेंट वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर इस R1 रेजिस्टेंस से, इस वायर से, इस वायर से, इस वायर, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन से जा रहा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाँ, तो इसमें भी फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ठीक है, पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर करंट क्या होगा, मतलब करंट कैसे होगा इन तीनों में। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से जा रहा होगा, फिर यहाँ पर जाएगा, मतलब ये टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, इसकी इक्वल। तो मैंने बोल दिया आई एस, करंट इन सीरीज इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां का करंट प्लस यहां का करंट, ये समझ गए इतना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैंने आपको इसके पहले की जो टॉपिक में पढ़ाया था, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हमें आई निकालना है, देखो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई निकालना है, तो हमें चाहिए आई, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आई का फॉर्मूला यूज किया, सो मैंने बोल दिया आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। अभी अभी अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट किया अलग अलग जगह पर, तो क्या आएगा, V अपॉन आर एस। देखो V अपॉन आर एस का मतलब है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज ये क्या है, V अपॉन आर क्या है, ये हमारा करंट है, ठीक है। इज इक्वल V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। V की जगह पर हम 1 ले सकते हैं, 1 अपॉन आर एस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2, ठीक है, ले सकते हैं। तो मैंने बोल दिया 1 अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3, मतलब जितने रेजिस्टेंस होंगे, जितने रजिस्टर होंगे आप उस पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि चार रजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन आर 4 1 अपॉन आर 5 ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बन जाता है, और इसके आगे थ्री डॉट लगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इन पैरेलल पर, ठीक है। तो आंसर करेंगे इसका, तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टर हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम, 20 ओहम, 10 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल हां, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, R1 इज इक्वल टू 15 ओहम, उसके बाद R2 इज इक्वल टू 20 ओहम, गिवन मत लिखना क्योंकि एग्जाम में मार्क कटते हैं, और R3 इज इक्वल टू 10 ओहम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब RP फाइंड करना है, RP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ तो सुनो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला, तो हम लगाएंगे देयरफॉर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल दूंगा 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP क्या है भाई, वही तो निकालना है, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल, अभी R1 कितना है, R1 है हमारा, सुनो, 1 अपॉन R1 कितना है, R1 है हमारा 15, R2 20, R3 10। अभी क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, 15 प्लस 20 प्लस 10, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे डिवीजन,
ऐसे फ्रैक्शन में इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। सो आरपी इज इक्वल 15 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 45 नहीं, 30 नहीं आएगा, 60 आएगा इनका एलसीएम। सो ये हो जाएंगे 60, नीचे हो जाएगा 60। अभी 60 कैसे आया? देखो 15 कितने जा 60 आएगा, मैंने बोला 15 फोर जा 60 आएगा। हाँ ठीक, 15 फोर जा, तो मैंने यहां पर लिख दिया 4 प्लस 23 जा 60 आएगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने 3, 20 इंटू 3 ठीक है। फिर 10 6 जा 60 आएगा, तो ये हो गया। तो इनको ऐड कर दो, कितना होगा? 4 प्लस 3 प्लस 6, 4 प्लस 3 7 प्लस 6 कितना होगा? कितना होगा भाई? 4 प्लस 7 13, 13 अपॉन 60 ठीक है, इतना समझ गए 13 अपॉन 60। अभी सुनो सुनो आरपी, आरपी इज इक्वल टू 13 अपॉन 60। भाई हमें 1 अपॉन आरपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब एक्चुअल में वहां पर रेजिस्टेंस कितना है। 1 अपॉन रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हमको। तो अगर हमें ये आरपी निकालना है तो हम ऊपर सेंड कर ले, कर दे ऊपर, पर इसमें क्या होगा कि आरपी रेस्ट टू द पावर माइनस वन आ जाएगा, आरपी रेस्ट टू द पावर माइनस वन, पर अपने को आरपी ही चाहिए सिर्फ, उसके ऊपर कोई माइनस वन नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए, मतलब 1 पावर चाहिए सिर्फ। तो अगर इसको हमें सिर्फ आरपी करना है ऊपर ले जाके, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि 1 अपॉन आरपी को अगर हमें आरपी करना है सिर्फ आरपी, देयरफॉर फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर ठीक। सो ये जाएगा नीचे, मतलब ये 60 अपॉन 30 हो जाएगा। तो अभी इसको डिवाइड कर दो, जो भी होगा वो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वैसे कितना आएगा? 4.615। बुक में तो 4.615 ओहम दिया है ठीक, कैलकुलेट कर लेना अगर ये गलत हुआ तो मुझे कमेंट करना ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने वाला था, बट मैंने अभी देखा कि जो मोबाइल में ने जो वीडियो बनाया है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अभी और लंबा नहीं कर सकते, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत बड़ा है, तो किसी नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो टू ऑल। थैंक यू।